अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मानस पैशन। आज मैं आपके लिए कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया था जिसके मैंने पीसेस कर लिए थे। जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, अंदर मैं वो ऐड कर लूँगी। और मैंने ओनियन के पीसेस कर लिए हैं, वो मैं अंदर ऐड करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब मत करना, मत भूलना, और मेरी वीडियो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। अब मैं बेसन ऐड करूंगी। साल्ट ऐड करूंगी। रेड मिर्च ऐड करूंगी। ग्रीन चिली ऐड करूंगी। ग्रीन चिली मैंने 2 ग्रीन चिली ली थी। आज की रेसिपी बहुत ज्यादा टेस्ट लगी, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग की रेसिपी कैसी बनी है। मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। अब मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे मिक्सर देख रहे हैं। मैं इनके बॉल्स बना लूंगी, कोफ्ते बना लूंगी। मैंने सब मिक्सचर के कोफ्ते बना लिए थे। मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं अपने कोफ्ते तैयार कर लूंगी। सब कोफ्तों को मैं अच्छी तरह ब्राउन करूंगी ताकि ये पक जाए। आप लोग देखिए मेरे कोफ्ते ब्राउन हो चुके हैं। अच्छी तरह ब्राउन हो गए। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी थोड़ा सा और ब्राउन करके। मैं प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैं आप कटे हुए प्याज ऐड करूंगी। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर दूंगी। ब्राउन हो चुका है मेरा ऑनियन। अब मैं गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट ऐड करूंगी। अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर दूंगी। मैं टमाटो ऐड करूंगी। टमाटो मैंने तकरीबन एक बड़ा लिया था और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब मैंने एक ग्रेवी ली है जिसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख लूंगी। अब आप लोग देखिए तैयार हो चुकी है मेरा सालन। बहुत ज्यादा टेस्टी लगी, आप लोग भी रेसिपी जरूर ट्राई करना। और साल आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो कोरिएंडर पाउडर ऐड करूंगी। साल चूंकि चावलों के अंदर भी डालना होता है, इसलिए मैंने इधर कम ही ऐड किया। इसमें मैंने कोफ्तों के अंदर भी ऐड किया था। अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी। इसके अंदर मैं अब दही ऐड कर लूंगी। 1 बाउल, 1 बाउल तकरीबन हाफ कप दही होता है। अब मैंने पोटैटो बॉईल कर लिए थे, अब वो मैं वो ऐड कर लूंगी। और छोटे छोटे पीसेस उसके कर लिए थे।
टमाटो बॉईल करके ऐड कीजिएगा। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख लूंगी, मेरा पानी बॉईल हो चुका है। अब जो उसके अंदर साल्ट ऐड कर लूंगी, साल्ट आप लोग अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं राइस बना रही हूँ, चावल लौंग ऐड करूंगी, ऑयल ऐड करूंगी, तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और 1 टेबलस्पून मैंने विनीगर ऐड करूंगी। मैंने चावल ऐड कर लिए हैं, अब मैं इसे मिक्स करके ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। मेरा सालन तैयार हो चुका है। बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी बता दूंगी। मैं इसे थोड़ा सा और ढक कर रख लूंगी। चावल मैंने बॉइल कर लिए हैं और सालन भी मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं गैस पे रखूंगी जिसके अंदर मैं चावल ऐड करूंगी और ऊपर जो मैंने सालन बनाया था वो ऐड करूंगी। और फिर ऊपर चावल ऐड करूंगी। अब जो मैंने कोफ्ते तैयार किए थे मैं वो ऐड कर दूंगी। ऊपर मैंने ये रेड चिली और धनिया पुदीना इन सब के मैंने काट के रख लिया था, अब ये ऐड करूंगी। अब मैंने ये कलर पानी में डाल के मिक्स किया था उसको मैं ऐड किया है और ये लेमन मैंने अंदर ऐड किया है और ऑयल ऐड कर रही हूँ अंदर। अब मैं इसे ढककर रख लूंगी। मेरे चावल बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं और आप लोग जरूर ट्राई करना। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। कोफ्ता बिरयानी है, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है व्यूअर्स। आज के रेसिपी का तो मजा ही आएगा आप लोग को, आप लोग जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग की रेसिपी कैसी बनी और मेरी वीडियो फुल वॉच करना, बहुत ज्यादा टेस्टी, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी। अल्लाह हाफिज़।